व्हाट्सअप कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। हम आज तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बारे में बात करेंगे, जैसे कि कल मेरा ये वीडियो कल आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ कल आया आ नहीं पाया। लेकिन हम आज बात कर लेंगे कि चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग यार, मैं बार बार बताता रहा हूँ, अभी भी लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि यार अगर मैं लॉक चॉइस अगर लॉक ना करूँ तो क्या होगा। और कुछ एक और एक बात बता रहे हैं कि भैया जो 19 को राउंड वन का डेट आने वाला है वो शायद आज नहीं आएगा। कुछ लोग बता रहे थे कि नोटिस एक ऐसा आया है जो उसमें बताया गया कि 19 तारीख 19 के वजह से 20 को। एक्चुअली क्या नोटिस आया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आ जाओगे यहाँ पे नोटिस के बारे में कि जो भी WB ज्वाइंट बोर्ड से जो भी नोटिस आया कि बिकॉज ऑफ द हॉलीडे ऑफ मुहर्रम बींग डिक्लेयर्ड ऑन 20 ऑफ अगस्त 2021 फ्राइडे इंस्टेड ऑफ 19 ऑफ अगस्त थर्सडे, द शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन रिवाइज एज 19th एंड 21st टू 24th ऑफ अगस्त 2021। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंक्वायर विद द इंस्टीट्यूट इन एडवांस। सो बेसिकली ये बताया गया है कि जो भी आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला था 19th ऑफ अगस्त को, वो 19th ऑफ अगस्त को नहीं आके 20th ऑफ अगस्त होगा, 20th ऑफ अगस्त आने वाला है। ये वो इसलिए क्योंकि मुहर्रम कुछ है उस दिन, तो उस दिन को नहीं हो सकता, उस दिन जो भी हॉलीडे रहता है, तो इस वजह से उस दिन को नहीं निकाला जाएगा। बस इतना ही। एंड सबसे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात है टॉपिक में ये है कि लोग अभी भी बता रहे हैं कि लॉक, मैंने भैया मैंने अभी भी चॉइस लॉक नहीं किया, लेकिन क्या मेरा कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? देखो यार, कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये तो मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो में शुरू से काउंसलिंग से रिगार्डिंग जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से बता रहा हूँ, अभी भी मैं बताता हूँ। लेकिन इवन मैंने भी ये जो किया है ना, यहाँ पे मैंने करंट चॉइस लॉक नहीं किया है, और ये ऑटो लॉक होता है। जैसे कि अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुद पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे। अगर मुझ पे अगर आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर सकते हो। उन लोग ऑफिशियली ये बताया कि अगर आप किसी तरह फेल होते हैं कि जो भी WBJ के अंदर जो भी बेसिकली कहने की द इन शॉर्ट टर्म अगर आप लोग कुछ कहें तो वो ये है कि अगर आप लोग किसी तरह से किसी गलती से हो या फिर अनजाने जाने अनजाने अगर आप लोगों किसी ने इस चॉइस लॉक करने भूल गए हैं या फिर चॉइस लॉक नहीं कर पाए, तो आप लोगों कोई डरने वाली बात नहीं। आप लोगों का सीट कहीं नहीं जाएगा या फिर आप लोगों का एडमिशन कहीं नहीं जाएगा। आपको जैसे लास्ट टाइम जो आपने सेव किया था ये तो ऑटो सेव हो रहा था। मैंने जैसे कि आप नहीं मालूम है तो आप लोग चाहो तो जाके देखो डेमो वाला वीडियो को देखो, वहाँ पे मैंने बताया था कि बीच बीच में वो जो डेमो वाला बीच बीच में वो जो सेव का ऑप्शन आ रहा था उसी की वजह से आप लोगों का जो भी सेव कर रहे होंगे वो आप लोगों का सेव हो चुका होगा। इसके लिए डरने वाली कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में दूसरे बार और कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर वक्त ज़्यादातर बच्चे यही इसीलिए डरते हैं कि मेरा चॉइस सेव हुआ कि नहीं या फिर मेरा काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो अगर आप लोगों का उसका सीधा सीधा आंसर है कि आप लोगों को कोई काउंसलिंग कैंसिल नहीं होगा। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे कि जो अगर भैया अगर मुझे फर्स्ट राउंड में कोई अच्छा ब्रांच मिले, किसी एक बच्चे ने पूछा कि अच्छे ब्रांच में लेकिन कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, अब ये दूसरे और किसी और ने पूछा है कि मेरा कॉलेज अच्छा है लेकिन ब्रांच उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे कौन सा प्रीफर ज़्यादा करना चाहिए? देखो यार, इसके लिए मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके लिए इसका वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही होगी। वो ये काफ़ी ज़्यादा संजीदा मामला है कि जिसे वो मतलब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तब। लेकिन इस वीडियो में यही तक कि आप लोगों का चॉइस को रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, और एक बात जो नोटिस आया है कि आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हो आप लोग सब तुरंत ही अपने पास रखे। जो फीस सीट अगर तुम्हें मतलब अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाता है, आप लोगों को फर्स्ट राउंड में उम्मीद करता हूँ मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको जो सीट एक्सपेयर होगा आप लोग उसके लिए पे करना पड़ेगा। उस पैसे को आप लोग अपने अपने आप अपने अकाउंट वगैरह में रखें। एंड दूसरे बात, जो उसके बाद अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट ना मिला तो क्या करना होगा? टेंशन लेने वाले कोई बात नहीं, आप लोगों को सीट जरूर मिलेगी। मैंने अगर आप लोग अपने अपना चॉइस प्रिफरेंस सही से किया हो, अगर काउंसलिंग सही से किया है, तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगी।
एंड द लास्ट थिंग इज कि जो भी फिनिशिंग रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह की ये सब आप लोगों को मतलब ऑलरेडी सब कुछ रेडी रहना है। अगर आप लोगों को किसी में डाउट हो रहा है, किसी डॉक्यूमेंट को रिगार्डिंग कोई डाउट हो रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो, अगर आप लोग SC ST PW से बिलोंग करते हैं तब अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही देते हैं। अगले वीडियो में बाय।